एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजॉय बागवानी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, गर्मी के सीज़न में ना आपके घर में बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो बहुत सुंदर फ्लावरिंग करते हैं, तो उसमें एक है जीनिया। और जीनिया को देखिए, मेरे पास गमलों की कमी हो गई थी, तो मैं इस तरीके से ना किचन के वेस्ट जो पैकेट्स होते हैं ना, फूड पैकेट्स, उनमें मैं लगाती हूँ। देखिए कितने सुंदर से, और जीनिया एक ऐसा फ्लावर है जिसको कि आप बीज से बहुत आसानी से लगा लेंगे। और एक बार देखिए, मैंने 2 साल पहले इसका बीज ना एक नर्सरी से लेके आया था, और उससे मैं कितने ही फूल बनाती हूँ। तो उधर अगर आप देखेंगे तो देखिए कितने सारे जो है ना जीनिया, और जो है ना गर्मियों का एक बहुत सुंदर फ्लावर है जीनिया, और इसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और देखिए, और ना सनफ्लावर जो होता है वो गर्मियों को बहुत अच्छा फूल तो होता ही, और ये जो मिनी सनफ्लावर है आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो। गर्मी में बहुत सुंदर फ्लावरिंग करने वाला है ये एक सनफ्लावर है, जीनिया है। और इसी में आपको ना विंका जो है, जो कि जो मल्टीपल हाइब्रिड एंड देसी वैरायटी में आती है, देसी वैरायटी इसकी जो होती है वो पर्पल एंड वाइट होती है, और जो आपको रोड साइड मिल जाएगा और आप कभी भी आसानी से उसको लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो हाइब्रिड है इसको एक बार मैंने नर्सरी से लेके आया था, और अब ना बीच से ही ना इसके जो है ना बहुत सारे जो ना पौधे तैयार होते रहते हैं। तो जीनिया भी आप बीच से लगा सकते हैं, सनफ्लावर भी बीच से लगा सकते हैं। हर साल आपको ना नर्सरी जाके इनके ना पौध खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप लेके आए और आपकी जो गार्डनिंग है ना वो बहुत सस्ती हो जाने वाली है। तो आपकी सस्ती समर गार्डनिंग के लिए ना ये सब फूलों को ज़रूर ऐड करिए। और ये देखिए, यहाँ पर अभी तक जो है ना मेरा पिटूनिया जो है ना वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसको जो अगर आप पिटूनिया है ना, इसको ना आप अभी ना थोड़े शेड में ला के रख दीजिए, जैसे हमने विंटर्स में पूरा धूप में रखा था, तो ना अभी जो ला के थोड़ी शेड में रख दीजिए तो बहुत ही अच्छी जो है ना आपकी जो है ना फ्लावरिंग जो करते रहेगा। देखिए छोटे छोटे कंटेनर में लगा हुआ है, और किस तरीके से बहुत ही अच्छी जो है ना ये फ्लावरिंग कर रहा है अभी भी पिटूनिया। और ये देखिए यहाँ पर मोगरा का जो है ना एक सीज़न खिल गया है मेरा जो फूल है, तो अब जो है ना मैंने इसकी फिर से प्रूनिंग कर दी है। अभी बहुत फ्लावरिंग किया था फ्रेंड्स, तो ना अभी मैंने फिर से इसकी प्रूनिंग कर दी है, और देखिए अब फिर से जो है ना ये अपनी जो है ना फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो रहा है। और ये देखिए विंका, तो ये सब कुछ ऐसे फूल है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक में आते हैं और देखते हैं कि जो है ना गर्मियों में हमने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं। तो आपको जैसे पता है कि जो है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो मैं जो है ना गर्मियों में ना कंटेनर गार्डनिंग कम करती हूँ टेरेस पे, और नीचे जो है ना ज़्यादा करती हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो है ना वो है करेला, और बहुत ही अच्छे से देखिए इसकी ना मैंने जो है ना अपने गार्डन में ना छोटा सा जगह है, थोड़ा सा जगह है जहाँ पर मेरा सेम चढ़ा हुआ था, तो अभी भी जो है ना मेरा सेम जो है ना अभी भी फल रहा है। तो इसी छोटे से जगह में देखिए मैंने अपना किचन का जितना भी वेस्ट होता है उसको मैं डंप करती रहती हूँ, तो ये जो है ना अपना खाद का काम करता है, साथ में जो है ना ये ना मिट्टी की मल्चिंग भी कर रहा है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये खाद भी बन रहा है साथ में मल्चिंग भी कर रहा है, तो दोनों काम कर रहा है। और इसी में छोटे से कॉर्नर में देखिए छोटी सी क्यारी है मेरी, उसी में छोटे से मैंने करेला लगाई हुई है, और ये देखिए करेला जो है ना कितना अच्छा जो है ना लटक लटक के फल रहा है, ये देखिए। और अभी भी ना छोटे छोटे जो है ना इसके जो है ना बेबी जो है ना करेला बन रहा है, तो ना जब करेला फलने लग जाए ना तो आप क्या करिए कि जैसे ही करेला आपके फलने लग जाए ना, तो वो जब मैच्योर होते जाए ना तो उसकी जो है ना आप उसको ना तोड़ तोड़ के खाते रहिए, एकदम टाइम टू टाइम आप उसकी ना हार्वेस्टिंग करते रहिए। अगर आप हार्वेस्टिंग करेंगे ना तो इस तरीके से जो है ना आपके ना छोटे छोटे और जो है ना करेले लगते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी करेला लगा हुआ है, यहाँ भी करेला लगा हुआ है, साथ में इधर देखिए इधर भी जो है ना हमारे जो है ना करेले बहुत अच्छे से जो है ना ये फल रहे हैं देखिए। तो इनको आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ, और यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने और कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो ये अभी इतने बड़े नहीं हुए, बट मैं इनको हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ना छोटे छोटे जो है ना इस तरीके से करेले के ना फल जो है ना बन रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि और जो है ना अच्छी फ्लावरिंग हो, तो आज हम यही करने वाले हैं। साथ में ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लगाई हुई है पुदीना, पुदीना जो एक हर्ब है जो अभी गर्मियों में बहुत अच्छा काम आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने देखिए पत्थर से क्यारी बना ली, और यहाँ पर मैं जो अपना सीडलिंग लगाती थी ना, तो वही सीडलिंग के लिए ही मेरी यहाँ पर तैयार हुई थी ज़मीन, और इसी में ना मैंने ला के बाहर से जब लगाया ना, तो इसी में मेरे बालू है, बस यहाँ पर बस बालू है, बालू में देखिए कितनी अच्छी जो है ना पुदीना हो रहा है। साथ में यहाँ पर देखिए जो कंद होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो देखिए ऊपर से ना कितने सारे जो हमारे जो है ना, ये जो ऊपर में मेरा पेड़ है ये मौसम्बी का पेड़ है, और इसमें बहुत सारे मौसम्बी लगे, और रोज़ जो है ना इतने जो है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब फल लगने लग जाता है तो जो हमारे मौसम्बी जो है ना वो नीचे गिरते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ना बहुत सारे फल जो है ना 10-15 फल ना रोज़ जो है ना गिरते रहते हैं। तो अपना जो है ना इनको अब जब फल बनने लग जाए तो इसमें आप पानी डालते रहिए। और ये जो है ना कांदा जो स्वीट पोटैटो, उसको मैंने भी इसमें ला के लगा दिया था, तो ये देखिए कितनी अच्छी हो रही है, और इसकी जो है ना साग बहुत अच्छा लगता है।
तो इसका हम साग खाने वाले हैं। और तो ये देखिए यहाँ पर हमारा लगा है पुदीना, यहाँ पर स्वीट पोटैटो लगा है, यहाँ करेला लगा है, उधर सेम लगा है। उसी तरीके से मैंने और भी सब्जियाँ लगाई हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए जो हमारे जो कटिंग से मैंने जो गुलाब तैयार किए थे और जो ये हिबिस्कस तैयार किए थे, और यहाँ पर मैंने जो ब्रह्म कमल और ये जो गुलाब है ये बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अपने लौकी के पौधे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स गर्मियों में ना आप जो है ना इस तरीके से ना पोए साग जो होता है जो कि मालाबार स्पिनच वो भी लगा सकते हैं। तो आप छोटे छोटे कंटेनर में जहाँ पर छाए हैं वहाँ पर लगा दीजिए। अभी सीड से ना बहुत सारे जो है ना सीड हार्वेस्ट किए होंगे आपने अभी एक सप्ताह पहले, तो उससे बहुत सारे जो है ना पोए साग जो है ना मालाबार स्पिनच वो बने होंगे। और उनको आप अगर मिट्टी में कहीं भी छीट देंगे तो बहुत ही आसानी से ना इस तरीके से उसके छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये कल पेंट हुआ है तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर पेंट गिरा है जिसको कि मुझे हटाना है। और यहाँ पम्पकिन जो है और ये हमारा टमाटर है जो अब जो है ना ख़राब हो रहा है, तो इसको मैं हटाऊंगी यहाँ पर और कुछ दूसरी सब्जी लगाऊंगी। तो ये चेरी टोमेटोस लगे थे और ये देखिए कल मैं बहुत सारा तोड़ के ले गई थी, थोड़े से बच गए हैं तो इनमें पेंट गिर गए हैं। यहाँ पर मिर्च का पौधा है तो चेरी टोमेटोज यहाँ पर लगे हैं। चेरी टोमेटोज की मैं पौधे हटा दूँगी क्योंकि ये ख़राब हो रहे हैं। और यहीं पर फ्रेंड्स हमारे लगी हुई है लौकी की बेल जिसमें कि जो है ना लौकी जो है ना फलना चालू हो गया है। और ये देखिए ये जो है ना बड़े हो रहे हैं और कल पेंट मैंने जैसे बताया तो यहाँ पर जो है ना पेंट के कारण ऐसे हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारी जो स्प्रिंग अनियन है इस तरीके से मैंने छोटी सी क्यारी बनाई हुई है और इसी में जो है ना स्प्रिंग अनियन लगाई है। स्प्रिंग अनियन भी बहुत अच्छा हो रहा है। और जो है ना जो जो लौकी जो है तो होते हैं ना उनके जो फ्लावर्स है वो शाम को खिलते हैं। तो देखिए अभी सुबह है, शाम को जो है ना ये फ्लावरिंग करने के बाद ख़त्म हो गया। और देखिए इसी में जो है ना ये फीमेल फ्लावर्स हैं जिनमें कि फल लगा रहता है नीचे में, और ये मेल फ्लावर्स है तो मेल फ्लावर्स में ना फल नीचे नहीं लगा रहता है और ये फीमेल फ्लावर्स है। तो ये देखिए कल पेंट्स के कारण जो है ना मेरे पौधे बहुत ख़राब हुए हैं, बट यहाँ पर जो है ना ये बहुत अच्छी जो है ना हमारी जो है ना लौकी लगी हुई है। तो इस तरीके से ना क्योंकि अब गर्मियाँ है ना तो ऐसे जगह पर लगाइए जहाँ पर कि ना शेड ज़्यादा हो ताकि जो है ना हमारे जो पौधों हैं ना उनको जो है ना ज़्यादा पानी की कमी ना मिले और उनको ना ज़्यादा जो है ना छाया में रहें। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लौकी लगाई हुई है। और देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो इधर अगर आपको दिख रहा होगा तो लौकी जो है ना फलना स्टार्ट भी हो गया है। और ये जो है ना देखिए कितनी अच्छी हरियाली भी ला रही है और आपको ना फ्रेश वेजिटेबल भी खाने मिल रहा है। तो इधर भी आप देखेंगे इधर भी जो है ना हमारी जो है ना लौकी लगी हुई है जो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसको भी मैंने सीड से सारा लगाया हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है ना विंका जो है विंका जो है ये जो है ना अपने बीज से हो गया और ये भी रेड वाली हाइब्रिड वाली है। तो अगर आप विंका जो है ना नर्सरी से लेके आएंगे इस टाइम पर ना तो बहुत अच्छे से हो रहा है। और छत पर अगर मैं आपको दिखाऊँगी तो छत पर जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना हमारी जो है ना लौकी तरो ये ना बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये देखिए इस तरीके से ना छोटे छोटे जो है ना ये जो है ना ये देखिए सारे जो है ना मेल फ्लावर्स हैं। और इस तरीके से ना इसको मैंने कॉर्नर में ही लगाती हूँ अभी गर्मियों में। गर्मियों में मैं ज़्यादा टेरेस फार्मिंग नहीं करती हूँ मैं ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में जो है ना इनको पोषण अच्छा मिलता है, पानी अच्छा मिलता है। क्योंकि टेरेस में आप कितना भी सेवा कर ले हम मैं नेट नहीं लगाई हूँ तो जो है ना नेट के बिना नेट के ना जो हमारे पौधे जो है ना वो क्या बोलते हैं वो ना सूखने लगते हैं। और अभी जो है ना अभी दो तीन दिन से जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ना तो यहाँ पर बरसात का मौसम जैसा कि फ्रेंड्स ये जो है ना इस तरीके से ना अपना ताज़ा ताज़ा जो है ना करेला तोड़ सकते हैं। चलिए और तोड़ते हैं हम। यहाँ भी देखिए ये जो है ना ये आपके और ये ना हमारे तीन परिवार के लिए ना मोर देन इनफ रहता है। यहाँ भी दो है जो जिसको हम तोड़ लेने वाले, बच्चे सारे बहुत सारे हैं बट जो है ना हम इतना ही तोड़ने वाले हैं क्योंकि आज हम इसके जो है ना वो बनाने वाले हैं, इसका पकौड़ा बनाने वाले हैं। इसको बेसन में लपेट के हम और दाल भात के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए आज जो है ना हमने इतना तोड़ा है, कल रात को मैंने बहुत सारा तोड़ा था बट जो है ना आज जो है ना इतना ही तोड़ा है मैंने। और ये देखिए ये टोमेटो जो है ना चेरी टोमेटोज हैं तो इतने ही तोड़ा है। तो चलिए ठीक है बाय। ये देखिए इतना सारे हमने टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। तो आई होप जो है ना आप भी अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जी लगाएंगे। और ये देखिए विंका जो है ये भी हाइब्रिड विंका है जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और मैं करेला भी आज हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो टोमेटो मैं कल शाम को हार्वेस्ट करके ले गई, इतने जो है ना मेरे को शाम को नहीं दिखे तो इनको भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ क्योंकि इन पौधों को निकालना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और करना मत भूलिएगा। और अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं, थैंक यू बाय। और ये देखिए
ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर आप हाइब्रिड नर्सरी से ला के लगाएंगे तो इस तरीके से ना कहीं भी उसको मिट्टी मिलेगा ना, कहीं भी जगह मिलेगा ना, तो इस तरीके से देखिए वो ना आपकी मिट्टी में लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ना एरिया है जहाँ पर पत्थर से का हुआ है फ्लोरिंग, तो यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी गैप है, तो यहाँ पर ना ये हाइब्रिड विंग का जो है ना 3 साल से इनको मैं कटिंग कर देती हूँ बार बार, और इतनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं कि इनको मुझे निकालने का मन नहीं करता है, तो इनको मैं ऐसे ही रहने दी हूँ। तो आप ना हाइब्रिड विंग का ज़रूर लेके आ जाइएगा नर्सरी से, और आपके घर में आपको ना कभी फूलों की कमी नहीं होगी। तो थैंक यू, बाय।